18 जून को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा के विरोध में प्रोटेस्ट डे का आयोजन किया गया है। क्यों किया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आईएमए के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर लीले। सर, ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं 18 तारीख को, इसका मकसद क्या है, क्यों ये किया जा रहा है? ये इसका सबसे बड़ा मकसद है कि गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से हमारी जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। जैसे हमें सेंट्रल एक्ट की आवश्यकता है रिगार्डिंग मेडिकल प्रोफेशनल्स प्रोटेक्शन एक्ट, जो काफ़ी स्टेट्स में है लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं है। और स्टेट एक्ट और सेंट्रल एक्ट में बहुत फ़र्क होता है। सेंट्रल एक्ट आईपीसी और सीआरपीसी में जाता है। जैसे अगर वो एक्ट बनता है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छी तरह से होएगा, वो आईपीसी में आने के बाद में हर पुलिस स्टेशन में उसकी रिकॉर्ड होगी और उसका प्रॉपरली एक्ट के हिसाब जजेस भी उसके ऊपर कुछ कार्यवाही करने के होंगे तो कर सकेंगे। ये इसके लिए हम लोग जो काफ़ी टाइम से बोल रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट उसको ध्यान नहीं दे रही है काफ़ी टाइम से। प्रोटेस्ट जो है वो किस तरह का प्रोटेस्ट होगा? अभी कल हमारा कोई पेशेंट को तकलीफ होएगा ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं है। हम लोग ब्लैक बैचेस या ब्लैक मास्क या ब्लैक शर्ट है या ऐसा पहन के हम लोग दिखाएंगे और उसके वीडियोज़ वगैरह जो है वो हम लोग गवर्नमेंट को दे देंगे। एट द सेम टाइम हमने गवर्नमेंट को, माननीय मोदी जी को लेटर लिखा है, हेल्थ मिनिस्टर जी को लेटर लिखा है, होम मिनिस्टर को लेटर लिखा है और सभी एमएलए और एमपीस को हमारे लोकल ब्रांचेस जाके मिलेंगे पर्सनली और रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इसके ऊपर आप थोड़ा सा विचार करो। और हम सोचते हैं कि डॉक्टर्स डे के बाद में जैसे मानसून सेशन पार्लियामेंट का शुरू होएगा बारिश के टाइम पे, अगर उसमें कुछ वो गवर्नमेंट तैयार करके कुछ करती है, क्योंकि मसूदा तैयार करने के लिए भी 2 साल पहले गवर्नमेंट ने हमको ही न्योता दिया था। आईएमए आज काफ़ी टाइम्स, कल जो आपका ये जो 18 का प्रोटेस्ट होगा इसमें किसी तरह की मरीजों को दिक्कत नहीं होगी? कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी मरीजों को। डॉक्टर शामिल होंगे सर पूरे भारत? आज हमारे 3.5 लाख डॉक्टर जो आईएमए के डॉक्टर है वो तो शामिल होंगे ही, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एएमसी है, एपीआई है, फॉक्सी है, आईपी है, ये बाकी जो मेडिकल एसोसिएशन है उन्होंने भी हमको सपोर्ट दिया है और वो भी इसमें शामिल होंगे। तो लगभग 8 से 9 लाख डॉक्टर्स इसके अंदर कल ब्लैक बैजेस बना के प्रोटेस्ट करेंगे। 8 से 9 लाख डॉक्टर्स जो हैं पूरे भारत में ये कल विरोध करेंगे जो डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा हो रही है उसके विरोध में। कैमरामैन वरुण के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।